हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है सागर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सागर बर्ड केयर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बजरी तोते के जोड़ा कब लगता है, बच्चों में से अंडे कब कितने बोले तो जोड़ा कितने दिनों में अंडे देता है और कितने दिनों में उनके अंडे में से बच्चे निकलते हैं, और एक जोड़ा मैक्सिमम कितने अंडे दे सकता है, वो कितने अंडे दे सकता है आराम से, ओके। और बच्चे कितने निकाल सकता है, और जो आपने खाना पीने में क्या देना चाहिए, और बच्चे है कितने दिनों में जो है सेल्फ होते हैं दोस्तों, ओके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो अपने बछड़ी तोते देखें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अपन। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जोड़ा समझ लो आपने लगाए, अच्छे अडल्ट आपने पेयर आपने लाए, बोले तो बजरी तोते की मादी अच्छी लाए, अच्छी क्वालिटी की, हेल्दी, और नर भी हेल्दी है। तो एक को समझ लो दोनों को छोड़ दिए तुमने, तो सात आठ दिन में उनका जोड़ा लग जाएगा दोस्तों। केज में दोनों होने चाहिए, बस दोनों होने चाहिए, एक लकड़ी होनी चाहिए, मटकी आपने नहीं लगानी है। सिर्फ आपने क्या करना है, उनको दोनों को छोड़ना है केज के अंदर, और केज के अंदर सिर्फ दोनों होने चाहिए, बस मटकी आपने लगानी नहीं है। तुरंत बाद एकदम वो जोड़ा लगने के पहले आपने फिर मटकी नहीं लगानी है, फिर जोड़ा लगने के बाद में दो तीन दिन के बाद में वो जो है दोस्तों मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, दाना एक्सचेंज करेंगे, और अपने जो है वो बॉन्डिंग मजबूत करेंगे जोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो फिर जो आपने क्या करना है, फिर जो है क्रॉसिंग आपको आपके नज़र में दिखी कि क्रॉसिंग कर रहे हैं भाई अपनी बजरी तोते जो है क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो आपने फिर उनको फिर मटकी देनी है। मटकी देने के बाद तुरंत बाद जो है ना 5-6 दिन के बाद आपको अंडे आपको मिलेंगे, अंडे आपको देंगे, बोले तो अंडे मादी जो है देंगी मटकी में, और जो है ना फिर बैठेंगे उस पर, और कोई कोई जो मटकी मादी जो होती है मटकी में अंडे एकदम पूरे होने के बाद में बैठती है, और कोई कोई जो मादियाँ होती है वो एकदम पहला अंडे देने के बाद में तुरंत बाद उसको सेना चालू कर देती है, और फिर ऐसे करते करते एक दिन छोड़ के वो अंडा देती है। ऐसे वो 5 अंडे दे सकती है शुरुआत बोले तो पहले टाइम में, या फिर 6 अंडे या 4 अंडे भी दे सकती है दोस्तों। तो आपने ज़्यादा ये नहीं करना है, आपने बोले तो ऐसा नहीं बोलना है कि भाई 2-3 अंडे आ गए अपने घर पे और मादी जो है ख़राब है। फर्स्ट टाइम कभी कभी कोई मादिया जो होती है ना ब्लड लाइन अच्छी होने के कारण कोई कोई 5 अंडे देती है, कोई कोई 6 अंडे देती है, कोई कोई फिर कमज़ोर ब्लड लाइन की होती है तो फिर कैल्शियम कमी होने के कारण भी 4 अंडे 3 अंडे ऐसे 2 अंडे ऐसे फर्स्ट टाइम वो देते हैं। फिर जो है ना बच्चे निकलते उसमें 21-22 दिन बाद जो है ना पूरे अंडे निकलते हैं, और सब अंडे आपने फिर वो चेक भी करना पड़ता है, देखना पड़ता मटकी निकाल के कैसे क्या प्रोग्रेस चल रही, उसको कैंडलिंग करना पड़ता, देखना पड़ता कि फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, ओके दोस्तों। फिर जो है बच्चे निकलते उसमें 21 दिन बाद बच्चे निकलते हैं, फिर उसको फिर 10-12 बोले तो समझ लो 15-20 दिन जो है उनको और जो है ना बड़ा होने को लगता है, फेदर आने के लिए लगते हैं दोस्तों। फिर फेदर आने के बाद में जो है ना दोस्तों उनको दाना सीखने में लगते हैं 7-8 दिन और लगते हैं जब वो मटकी से नीचे आती है, तो 7-8 दिन वो उनको और लगते हैं। तो ऐसे आपके घर के जो है ना बजरी तोते के बच्चे की बोले तो आप ब्रीडिंग ले सकते हो, जोड़ी की बच्चे निकाल सकते हो, और फिर जो है ना 2.5 बोले तो अंडे देने के बाद में बच्चा अडल्ट होने के तक उसको लगते 2.5 महीने दोस्तों, 2.5 महीने के बाद में वो वापस से बच्चे निकालने इतना मेच्योर हो जाता है वो कॉलोनी में रहा तो। और बोले तो कॉलोनी कौन सी, जो मेरे घर पे बड़ी कॉलोनी है ना दोस्तों, वो केज में कैसा होता है पंछी को उड़ने को मिलता नहीं है, इतने जल्दी मेच्योर नहीं होता है वो, उसको 3-3.5 महीने लगते हैं मेच्योर होने में, और फिर जो है वो बच्चे निकालते हैं दोस्तों। और आपके जो बजरी तोते हैं उनको अच्छा विटामिन कैल्शियम और जो है ना वो मल्टी विटामिन सब देंगे, दाना अच्छा देंगे, कंगनी देंगे, चावल देंगे उबला हुआ,
चावल जो है भर के देंगे, पूरा दिन भर रखा हुआ रहना चाहिए उनके सामने। तो आपके घर के जो बच्चे होंगे दोस्तों वो बढ़िया पलेंगे और एक भी बच्चा जो है वो ज़ाया नहीं होगा, सब बच्चे जो है आसानी से जो है वो पालेंगे दोस्तों। ओके, तो आज की वीडियो यही तक ही थी। तो वीडियो अच्छी लगी होंगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।